उस राजा को हटाया जाए जो दुख देने वाला है। इसीलिए निषाद पार्टी की जो सेना है इसीलिए बनी है। तो किसी एक विधायक में दम नहीं था मंत्री में कि महन जी के सामने खड़ा होकर बोल दे कि मैं समाज में जाके क्या कहूँगा, समाज ने हमें वोट दिया। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मैं पहले भी चुनाव लड़ रखा, तो जितने भी हिंदी बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, यहाँ जहाँ निषाद हमारी कम से 20 राज्यों में यूनिट हमारी पार्टी। सीटें कितनी मांग रहे हैं? सीट नहीं, हम लोग जीत मांगते हैं, जीत दर्ज कराकर एहसास कराते हैं कि हारने वाला भी जाने कि किसके वजह से हार रहे हैं और जीतने वाला भी जीत है जस्टर। तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराना चाहते हैं कि हम मछुआरों को से जीते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान है। कि हाथी जय भीम बोलने से सत्यानाश हो गया, बंद कर दो। तो देरी से ही कोई जय भीम बोलने वाला, जय निषाद राज बोलने लगा तो हमारे लिए तो खुशी है। कोई जय समाजवाद बोल रहा और बर्बाद हो गए, तो जो जय समाजवाद, जय भीम बोलने वाले अगर जय निषाद राज बोल रहे हैं तो उनका स्वागत है। हम टिकट देने वाले नेता हैं और कुछ लोग टिकट मांगने वाले। टिकट मांगने वाले जाएंगे तो दूसरे के अधीन रहेंगे और टिकट देने वाले नेता के साथ आएंगे तो हमारे साथ रहेंगे। 3 विधायक हमारे हैं इस बार उत्तर निषाद पार्टी से, और देखो किस तरीके से लखनऊ में विधानसभा में गरज थे अपने समाज के लिए। हमारे समाज के लोग ये जानना चाहते हैं, भोजन भरी थाली जैसे लखनऊ पहुंचा है। ये बेईमान लोग कहते थे पार्टी नहीं बनाएंगे, पहले संगठन बनाया, पार्टी बन गए कहें तो चुनाव चिन्ह नहीं लाएंगे, चुनाव चिन्ह ला दिया। बाद में कहें कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़के दिखा दिया। अरे कहें वो विधानसभा में नहीं जाएंगे, निषाद नहीं लड़ाएंगे, निषाद लड़ा के विधानसभा में पहुंचा दिया। तो उनकी बात छोड़िए, नेता बोलते हैं, जनता ये चाहती है कि निषाद पार्टी का वकील अखाड़े का विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में, तो अखाड़े के पहलवान पैदा करने के लिए हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग हैं और पैदा भी करते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सतेजकांत। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी वीरांगना फूलन देवी की, आज डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, क्या कुछ मांगे रखी सरकार? पूरे प्रदेश में ज्ञापन के माध्यम से निषाद पार्टी एक वकालत करने का समाज का चैम्बर है, उसके हम वकील हैं और हमारे 11 विधायक हैं, एक सांसद हैं, और विधान परिषद में भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम, हमारे ऊपर समाज ने भरोसा किया, हमारे समाज, हमारे लोगों ने विश्वास किया और हमको लायक समझा और हम उस लायक बनाया कि हम मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब तक पहुँचाए, योगी जी तक अपनी आवाज़ को पहुँचाकर उनके लिए समस्याओं का समाधान कराया और करा भी रहा हूँ। निर्णायक दौर पर तमाम चीज़ें हैं, नीत बनवाना, बजट लाना, पॉलिसी बनवाना, आरक्षण के मुद्दे को, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो समाज पर जो भी अन्याय हुए हैं उसको भी उजागर करके उनको न्याय दिलाना। तो आज वो जो बहन, जो पूर्व सांसद बहन फूलन देवी हैं, उनकी जो हत्या हुई, जो उन्होंने जो कदम उठाया, किन परिस्थितियों में उठाया, इसका एक जांच हो और उसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं कि ऐसा कोई घटना और न घटा। प्लस सदन गई थी तो एक जाँच होनी चाहिए एजेंसी से जिसमें जो सोची हो। दूसरा मैंने की कि उसकी जो, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उसको कब्जा कर रखा, तो वो जो है फिर से मुक्त हो और उनकी माँ को उसको अधिकार मिले, ये है। तीसरा, उनकी माँ को सांसद की माँ का दर्जा मिले और उनको जो है उसकी सारी अनुमन सुविधाएं मिले, ये हमारी मांग उसकी। अच्छा, एक बात करें इससे परे, गंगा और यमुना अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो 22 उपजातियाँ आपकी वहाँ पर रहती हैं और 14% वहाँ पर माना जाता है कि जो पूरे यूपी के लोग, जो निषाद समुदाय के लोग हैं, 14% है, कैसे हैंडल करेंगे? अभी ओम प्रकाश राजभर भी आपके साथ में आ चुके हैं NDA। 18% समुदाय है, इसी में तमें त्रेता में भगवान राम को निषाद राज ने सेना दिया था। सेना इसलिए दिए था दुख देने वाले को, सरकार को हटाओ जा, उस राजा को हटाया जाए जो दुख देने वाला है। इसीलिए निषाद पार्टी की जो सेना है इसीलिए बनी है कि जितना भी जो है 750 बरस अंग्रेजों से लड़के उन्हें हटाए, मुगलों से, अंग्रेजों से, अब पिछली सरकारों को ला दिया और इन लोगों ने भी इनकी फाइल गायब करा दिया। सारे जितनी भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जाते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया तो उन्हें उपेक्षित रखा, उन्हों को हटाने में थोड़ा समय लगा हम लोगों को, तो ये सब हट गए हैं, अब इनके समस्याओं का समाधान होगा। जनता को काम चाहिए, जनता को सही वकील चाहिए, ऐसा वकील नहीं चाहिए कि जो समस्या को बढ़ा दे। उन लोगों ने वोट देकर सपा में, बसपा में, कांग्रेस में अपना विधायक और MP भेजा था, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी ने इनकी दालघाट जमीन छीनी, इनकी रोजी रोटी जो वर्ग 3 की जमीन थी और इनका आरक्षण छीनी, तो किसी एक विधायक में दम नहीं था मंत्री में कि महन जी के सामने खड़ा होकर बोल दे कि मैं समाज में जाके क्या कहूँगा, समाज ने हमें वोट दिया, वकालत नहीं किया। तो वकालत करने का पावर किसके अनुमति से होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष के और पार्टी के अध्यक्ष के और विधानसभा अध्यक्ष के। तो इसीलिए पार्टी हमें बनाना पड़ा कि मैं खुद का, हमारी पार्टी होगी
और खुद का हमारे वकील होगा और खुद की इन समस्याओं के समाधान के लिए आगे कदम उठाए, इसीलिए विधान परिषद, विधानसभा में, अब लोकसभा में भी वकील को पहुँचाना। 24 के चुनाव से पहले अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं वहाँ के लिए? मैं कह रहा हूँ भी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मैं पहले भी चुनाव लड़ रखा, तो जितने भी हिंदी बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, यहाँ जहाँ निशाद हमारी कम से 20 राज्यों में यूनिट हमारी पार्टी। सीटें कितनी मांग रहे हैं? सीट नहीं, हम लोग जीत मांगते हैं, जीत दर्ज कराकर एहसास कराते हैं कि हारने वाला भी जाने कि किसके वजह से हार रहे हैं और जीतने वाला भी जीत रहे दर्ज कर, तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराना चाहते हैं कि हम मछुआरों को ओर से जीते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान। अच्छा, एक बात और, राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जयप्रकाश निषाद जैसे ही आते हैं, महाकुंभ की बात करते हैं, तो अंदरूनी कुछ अनबन है, क्या ये वाकई में अनबन है? देखिए, हम तो सबको जगा रहे हैं आज के दिन में कि हाथी जय भीम बोलने से सत्यानाश हो गया, बंद कर दो। तो देरी से ही कोई जय भीम बोलने वाला, जय निषाद राज बोलने लगा, तो हमारे लिए तो खुशी है ना। कोई जय समाजवाद बोल रहा और बर्बाद हो गए, तो जो जय समाजवाद, जय भीम बोलने वाले अगर जय निषाद राज बोल रहे हैं तो उनका स्वागत है और सबको लोकतंत्र में अधिकार है बोलने का। लेकिन रिमोट ऐसा ना हो कि वो कहीं से और हों, हम टिकट देने वाले नेता हैं और कुछ लोग टिकट मांगने वाले, टिकट मांगने वाले जाएंगे तो दूसरे के अधीन रहेंगे और टिकट देने वाले नेता के साथ आएंगे तो हमारे साथ रहेंगे। 3 विधायक हमारे हैं इस बार उत्तर निषाद पार्टी से, और देखो किस तरीके से लखनऊ में विधानसभा में गरजते अपने समाज के लिए। तो मैं तो अपने समाज के सभी नेताओं को चाहता हूँ आए, और जिस तरीके से मैंने 3 विधायक बनाए वैसे आवे निषाद पार्टी से, हम उन्हें लोकसभा में मैं सांसद भी। अच्छा, आपकी जनता ये भी जानना चाहती जो वोटर्स रहे हैं आपके, कि अभी जो चुनाव होने वाला 24 से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं हमारे नेता? हमारे समाज के लोग ये जानना चाहते हैं, भोजन भरी थाली जैसे लखनऊ पहुंचा है। ये बेईमान लोग कहते थे पार्टी नहीं बनाएंगे, पहले संगठन बनाया, पार्टी बन गए कहें तो चुनाव चिन्ह नहीं लाएंगे, चुनाव चिन्ह ला दिया, बाद में कहें कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़के दिखा दिया, अरे कहें वो विधानसभा में नहीं जाएंगे, निषाद नहीं लड़ाएंगे, निषाद लड़ा के विधानसभा में पहुंचा दिया। तो उनकी बात छोड़ी, वो नेता बोलते हैं, जनता ये चाहती है कि निषाद पार्टी का वकील अखाड़े का विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में रहे, तो अखाड़े पहलवान पैदा करने के लिए हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग हैं और पैदा भी कर रहे हैं। और क्या ओपी राजभर से फिर से दोस्ती हो गई? दोस्ती नहीं होता, हम एनडीए उनके समाज, हमारे समाज के मुद्दे एक ही हैं दोस्त। हम तो पहले से कह रहे थे भैया इधर उधर मत रहिए, मेरे साथ आइए, देखो आते ही उनके समाज का कितना सम्मान बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल, तो हमारे साथ संजय निषाद जी थे, काफी सारी बातें हुई, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।